आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद में लगाए जाएंगे 70 लाख पौधे। 4 जुलाई को स्मृति वन के तहत कोविड से जिंदगी गवा देने वालों के स्मृति में लगेंगे पौधे। लोगों से की अपील, कहा अवश्य लगाएं एक वृक्ष। डॉक्टर्स डे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सकों को किया संबोधित। कोरोना काल में किए गए चिकित्सीय कार्य की सराहना, दी शुभकामनाएं। 1 जुलाई से शुरू हुए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के मोबाइल जागरूकता वैन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा मेडिकल मोबाइल वैन के माध्यम से संचारी रोगों के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। रोटरी क्लब के नए सत्र के अवसर पर जीडी गोयनका स्कूल में डीजी अखिल कुमार सहित अन्य लोगों ने किया पौधरोपण। डॉक्टर्स डे एवं सीए डे पर डॉक्टरों और सीए को किया गया सम्मानित। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है भारत अमृत महोत्सव। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले किसानों को दिया प्रशस्ति पत्र। डॉक्टर्स डे के अवसर पर कोरोना काल में डॉक्टरों के कार्यों की गई सराहना। सीएमओ ने कहा डॉक्टरों का करे सम्मान। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ आश्रम समिति की बैठक। नई कार्यकारिणी का हुआ चयन। डीएम ने कहा कुष्ठ आश्रम का होगा विकास, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दीवानी न्यायालय परिसर में 10 जुलाई को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर होगा मुकदमों का निस्तारण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एंटी भू माफिया पोर्टल के संचालन का दिया गया प्रशिक्षण। तालाबों पोखरों पर से कब्जा हटाने का दिया गया निर्देश। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने किया पौधरोपण। कहा पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अवश्य लगाएं पौधे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र के रेट निर्धारण संबंधित बैठक। कहा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए चिड़ियाघर। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,285। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 60 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक। टेंडर के माध्यम से गांवों में कार्य शुरू करने की बनी सहमति, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निगम के प्रवर्तन टीम में शामिल हुए 19 और पूर्व सैनिक। महापौर ने कहा अतिक्रमण प्रतिबंधित पॉलिथीन विरोधी अभियान सहित अन्य अभियानों की होगी जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था में भी करेंगे सहयोग। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 30 केंद्रों पर 8,377 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। सीएमओ ने कहा कोरोना से बचाव का हथियार है वैक्सीनेशन, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। दी कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी को किया सम्मानित। मंडलायुक्त ने एसोसिएशन के प्रति जताया आभार। कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू का गुरुवार को भी देखने को मिला छिटपुट असर। एसपी सिटी ने कहा करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहें सुरक्षित। और उमस भरी गर्मी से राहत के आसार नहीं, अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बना रहेगा मौसम। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी।